हेलो दोस्तों। तो यार देखो, ये वाले इस वाले पार्ट में जो पेड़ वेड़ बने हुए हैं ना, ये थोड़े से तुमने देखा होगा कि पहले कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं, बहुत इजी है ये। तो अभी मैं राइट साइड पे जो बनाऊंगा, तो यही सेम ऐसे ऐसे पेड़ बनाऊंगा, तो फिर उससे तुम सेम देख के कर लेना। ओके। और इसमें ना, जैसे मान लो, बस मैंने पता क्या यूज़ करा है, अलग अलग कलर के शेड बनाए हैं मैंने ग्रीन से, जैसे ग्रीन और वाइट को मिक्स करके, और फिर मतलब उसी से करा है बस। और अब देखो, अब मैं बादल वाला पार्ट हल्का कर रहा हूँ, तो उसके लिए देखो ब्रश ऐसे ऐसे बिल्कुल राउंड राउंड चलाओ बादल बनाने के लिए। ये बहुत कंपलसरी है बादल बनाने के लिए, राउंड राउंड चलाना। ओके। तो ऐसे राउंड राउंड पे ब्रश चलाओ तो तुम्हारा ये बादल बन जाएगा बस। और मैं बस बादल को थोड़ा सा हल्का कर रहा हूँ, हल्का सा मतलब टेक्स्चर और अच्छा दे रहा हूँ बादल पे। तो तुम्हें भी करना हो हल्का तो कर लेना, नहीं करना तो मत करना। देखो, जब तुम बादल करोगे ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि ना तुम्हें ना, जैसे ये ऊपर स्काई है, तो स्काई के ऊपर ना जो तुम बादल बनाओगे, तो उसे ना कहीं पे मतलब पानी मिक्स करके करना, और कहीं वाइट की डेंसिटी ज़्यादा रखना, क्योंकि तुम्हें कहीं कहीं बादल मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखता होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा थिक दिखता है, तो वो दिखाने के लिए तुम कहीं पे मतलब वाइट कलर जब रखोगे तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा रखना, और कहीं पे पानी मिक्स करके करना, जैसे देखो मैंने करा है, तो उस हिसाब से कर लो बस, तुम्हारा बादल भी हो जाएगा। ओके। और थोड़ा सा राउंड राउंड चला के, जैसे देखो पतला ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे भी मैं राउंड राउंड करके ही कर रहा हूँ, ठीक है। और कहीं कहीं पे सीधी लाइन दो, और वो सीधी लाइन भी पूरी सीधी नहीं, हल्की टेढ़ी मेढ़ी, और फिर उसके बाद उसको ना मतलब पानी मिक्स करके लाइट कर दो। और देखो, अब मैं इसे ना मतलब स्काई को भी थोड़ा सा और लाइट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं देखो ब्लू ब्लू कह रहा हूँ, वाइट वाइट मिक्स कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, पानी लगा के। पर बहुत पानी, इसमें पानी बहुत लगाना है। ओके। क्योंकि पानी लगाओगे जब भी तुम्हारा ये पीछे वाला ब्लू कलर दिखेगा। देखो, अब मेरा आसमान लाइट हो गया ना, बस बहुत आसान था ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मेरे ख्याल यार पूरी ड्राइंग ही बहुत आसान है, पूरी सॉरी पूरी पेंटिंग बहुत ज़्यादा आसान है, पर तुम्हें बस मेरे साथ करना है। अब क्या पता यार, मुझे आसान लग रही है और तुम्हें मुश्किल, पर मैंने जिस हिसाब से बताया यार, तरीका बहुत आसान है। अब देखो, अब तुम्हें बता दो, बहुत ईजी तरीका है ये पेड़ बनाने के लिए। सारे पेड़ मैं वैसे ही बना रहा हूँ। जैसे देखो, सबसे पहले ना नीचे तुम ग्रीन ग्रीन से बिल्कुल ऐसे ऐसे मारो पैचेस टाइप, ठीक है, मतलब लेफ्ट से राइट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, ओ सॉरी, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो ऐसे करके पहले ग्रीन कलर से करो, फिर उसके बाद ना इससे लाइट कलर बनाओ, जैसे येलो वाइट और ग्रीन को मिक्स करके,
इससे लाइट कलर बनाओगे, और ब्रश चेंज कर लो, पतला ब्रश ले लो ठीक है, और फिर पतले ब्रश से फिर उसके बाद सेम वैसी पैचेस मारने, लेकिन उससे कम एरिया पे, जैसे तुमने ग्रीन करा ना तो उससे कम एरिया पे, या फिर उसके ऊपर ऊपर वाले पार्ट पे जस्ट, ठीक है, मतलब कुछ लाइंस टाइप दो जस्ट, देखो ऐसे ऐसे, ये भी सेम उसी तरीके से, मतलब राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। ओके, और यार इन सारे पेड़ों में मैंने सेम यही तरीका यूज़ करा है, ठीक है, बस जैसे थोड़ा सा उसमें और ज़्यादा टाइम लगाया है, पर ये भी सेम वही तरीका है। और देखो अब ऐसे करके अगर तुम्हारा कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो ना, मतलब उससे रियलिस्टिक लुक ख़त्म हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा कलर दिख रहा हो, तो उंगली से ऐसे करके एक हल्का कर दो उस कलर को, ठीक है, तो ऐसे उंगली से हल्का कर देते कलर, और बाकी सारे पेड़ एक जैसे बनते हैं। हाँ, और देखो अब आगे वाला जो पेड़ है ना, उसके पीछे वाला पेड़, तो उसके बीच में सेपरेट करने के लिए हल्की सी तुम्हें जगह छोड़नी है, लाइन मारते मारते, ठीक है, तो देखो जैसे मैं लाइन डाल रहा हूँ इस पर, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर या लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है, पर ये ध्यान रखना कि लाइन स्लांट होनी चाहिए, मतलब ऊपर नीचे टेढ़ी होनी चाहिए लाइन हल्की, ठीक है, तो वैसे करके मतलब तुम लाइन्स डालो जल्दी जल्दी, और थोड़ा सा पानी पानी मिक्स करते रहो कभी कभी कभी, मतलब जैसे डार्क कलर बना दो तो वो तुम अपने हाथ पे डिपेंड रखो कि तुम कुछ भी करोगे, बस थोड़ा सा चेंज करते रहो ग्रीन, मतलब लाइन्स डालते वक्त, जैसे देखो मैंने कहीं कहीं लाइट रख दिया, कहीं डार्क रख दिया है येल्लो, ठीक है, कहीं ग्रीन कर दिया नीचे, तो अपने आप मतलब कोई भी कलर करते रहो, बस अलग अलग शेड के पत्ते देते रहो बस, ठीक है। पर एक चीज़ ध्यान रखना है, आगे वाले और पीछे वाले पेड़ के बीच में देखो, जैसे थोड़ा सा मेरा ब्लैक कलर का हल्का सा गैप आ रहा है ना, ब्लैक कलर या डार्क ग्रीन में गैप आ रहा है ना वो उनके बीच, तो वो आपस में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, दो पेड़ अलग अलग है, इससे ये पता लग रहा है। जैसे तुम दूर से देखोगे ना तो तुम्हें दो पेड़ अलग कैसे लगते हैं, जैसे एक तरफ थोड़ी सी लाइट आ रही होती है, फिर पीछे आगे वाले पेड़ के पीछे शेडो पड़ रही होती है, फिर पीछे वाला पेड़ दिख रहा होता है इस टाइप से, है ना, तो बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करनी है तुम्हें, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मैंने डार्क कलर हल्का बनाया, और फिर उसके बाद ना डार्क कलर बनाने के बाद अंदर अंदर जो है ना उसके, मतलब जो डार्क वाला पार्ट होता है वो करूँगा, और ऊपर जो है ना ऊपर जो जैसे आसमान में उसके थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी दिखाऊंगा, ताकि पेड़ का थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक दिखे, और पीछे कुछ पाइन ट्रीज़ भी बनाऊंगा मैं, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए भी ये तरीका बहुत यूज़फुल है। जैसे इसके लिए पता क्या करते हैं, एक लाइन डालो और दोनों लाइन जैसे वी बनाते हैं ना वी, तो वो वी शेप में बस बनाते चलो तुम, वी वी देते रहो बस, वी 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 वी, तो ऐसे वी वी बनाओगे तो तुम्हारा ये वाला पेड़ बन जाएगा, तो वी से देखो पाइन ट्री बना रहे हो, ठीक है।
देखो अब ना तुम्हारे जैसे पूरे पेड़ वाले इलाका है, तो इनका जो नीचे वाला पार्ट है ना पूरे पेड़ वाले इलाके का, देखो वो डार्क है, तो वहाँ पे ना तुम्हें जैसे डार्क डार्क है हर तरफ, तो तुम्हें पेड़ के पत्ते दिखाने नीचे, तो तुम पत्ते कैसे दिखाओगे? जैसे ऊपर तो तुम्हारे पत्ते दिख रहे हैं क्योंकि पीछे वाइट बैकग्राउंड है, लेकिन इसके पीछे डार्क ही बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे पत्ते दिखाने के लिए तुम्हें ना वाइट का यूज़ करना है, या फिर वाइट और येल्लो मिक्स करके यूज़ कर लो, ठीक है? और वहाँ से ऐसे ऐसे पत्ते दिखाओ तुम वाइट कलर से, ठीक है? तो इससे डिटेलिंग पार्ट हो जाएगा तुम्हारा और ये पेड़ दिखने लग जाएंगे। जैसे देखो जहाँ तक पहाड़ है उसके नीचे से मैं वाइट की डिटेलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ देखो है ना, बिल्कुल ऐसे वीवी बनाते चलो बस तुम डिटेलिंग के वक्त, ठीक है? तो ऐसे तुम्हारा ये हो जाएगा। देखो मैं येलो और ग्रीन को मिक्स करा मैंने, और फिर उसके बाद देखो ये चीज़ कर रहा हूँ मैं, हल्की हल्की सी बस डिटेलिंग दो तो तुम्हारा ये वाला पत्ता दिखने लग जाएगा, और ऐसा लगेगा जैसे रियलिस्टिक पेड़ सा बन रहा है कुछ। ओके पेड़ सा क्या, पेड़ ही बन रहा है, ठीक है? तो बस फिर तुम्हारा ऐसे ये हो जाएगा, और शायद मेरे ख्याल में मैंने अच्छा तरीका बताया तुम्हें इसका, तो तुम कर लोगे इजीली वी वी बना के, वी बना के। ओके ठीक है, बहुत इजी है यार ये। देखो अब ना मैं राइट की साइड यहाँ पे नीचे एक झाड़ी बनाऊंगा ब्राउन कलर से, ठीक है? जैसे देखो ब्राउन कलर से कर रहा हूँ ना, तो ये देखो इसमें ना थोड़े से ब्रश को राउंड राउंड चलाओ और सर्कल सर्कल चलाओ, और फिर ब्राउन और वाइट मतलब सॉरी ब्लैक ब्लैक और वाइट और येलो इन सब के यूज़ से मैं ये करूँगा झाड़ी, ये वाली यहाँ की वाली, ठीक है? तो देखो हल्का हल्का सा राउंड चलाते रहो, और नीचे नीचे ब्लैक करो, उसके ऊपर जस्ट मतलब थोड़ा ब्राउन करो, और फिर ब्राउन के ऊपर जस्ट सबसे ऊपर वाले ब्राउन के टॉप वाले पार्ट पे हल्का हल्का सा वाइट से पैचेस टाइप दो, ठीक है? देखो जैसे मैं दूंगा अभी, देखो ये ऐसे पैचेस, ठीक है? पतले ब्रश से देना पर पैच, ये याद रखना, क्योंकि मोटे ब्रश से दोगे तो वो पूरा ब्राउन कलर ही ढक जाएगा तुम्हारा, इसलिए पतले ब्रश से दो। और देखो मैं बिल्कुल टॉप टॉप पे कर रहा हूँ उसके, सबसे पहले नीचे ब्लैक करा, उसके ऊपर ब्राउन करा, और उसके जस्ट टॉप पे बिल्कुल वाइट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं हम ये झाड़ी बनाने के लिए, और बहुत सारी झाड़ी बनाने के लिए यही प्रोसेस यूज़ करते हैं। जैसे अगर तुम्हें ज़्यादा बिल्कुल अच्छी झाड़ी नहीं बनानी, तो तुम सबसे पहले नीचे ना ब्लैक कलर करो, उसके ऊपर हल्का ग्रीन करो, और सबसे ऊपर येलो कर दो, तो तुम्हारी झाड़ी बन जाएगी बहुत अच्छी, जो सबसे ऊपर वाला टॉप पार्ट होता है उस पर। ओके तो ये बहुत ईजी तरीका है झाड़ी बनाने के लिए। और देखो मैं कैसे पैचेस पैचेस डाल रहा हूँ, बस देखो कितने पैचेस डाल रहा हूँ मैं, और कहीं पर डार्क पैच रख रहा हूँ, कहीं लाइट पैच रख रहा हूँ, लेकिन पैचेस ज़रूर डाल रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखो तुम, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करो बस मेरे साथ। यार एक ब्रश है अभी, ठीक है? जैसे आगे से ना थोड़ा सा राउंड टाइप है ये, सेमी सर्कल टाइप। ओके तो ये ब्रश तुम इस झाड़ी के लिए यूज़ करो हल्का हल्का, और बिल्कुल वैसे ही पैचेस मारने जो तुम्हें मैंने लेसन 3 या 4 पे नहीं बताया था कि पैचेस कैसे मारते हैं, तो वो वैसे ही पैचेस मतलब मारने तुम्हें झाड़ियों पर, ठीक है? देखो ऐसे ऐसे हल्का सा, क्योंकि आगे की ओर ना ये सेमी सर्कल टाइप बनाता है, तो ये झाड़ियों के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर तुम्हें इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में, मतलब अगर ये परचेज़ करना है तुम्हें, या अपने शॉप से भी कर सकते हो तुम आसपास वाले कोई स्टेशनरी से, ठीक है? तो पर अगर तुम्हें यहाँ से मतलब चाहिए फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम ले लो। ओके अब देखो अब पैचेस ना बिल्कुल जैसे मैंने डाला है ना सेमी सर्कल टाइप में, बिल्कुल वैसे वैसे सेमी सर्कल में पैचेस डालो, ना ज़्यादा गैप ना कम गैप। ओके और फिर उसके बाद ना जब पैचेस डाल दो, तब उसके बाद जो उसका सबसे ऊपर ऊपर वाला पार्ट है ना, वहाँ येल्लो येल्लो के पैचेस करो, जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल पतले ब्रश को लेके बिल्कुल उसके टॉप टॉप पे, एकदम टॉप पे आराम आराम से, ठीक है? और उसके बाद बिल्कुल मतलब इतने आराम से करना ना, बिल्कुल बारीकी से, कि तुम्हारा मतलब ये जो अभी झाड़ी वाला पूरा पार्ट करा ना हमने, ये करने में 1 घंटा लग जाए, इतने आराम से पेंटिंग करनी है तुम्हें। ओके और बिल्कुल बारीकी से, और फिर देखो नीचे हल्का हल्का ब्लैक कर दो, तो सेम वही प्रोसेस अभी मैंने बताया था ना तुम्हें, जैसे ग्रीन वाली झाड़ी बनानी है तो नीचे ब्लैक, ऊपर हल्का ग्रीन, और सबसे ऊपर येल्लो, बस बहुत सिंपल है, ठीक है? अब देखो अब अलग अलग कलर की झाड़ियाँ बना रहे हो, तुम्हारी मर्ज़ी है यार, तुम रेड कलर की अगर झाड़ी बनाना चाहते हो तो रेड करो, फिर उसके बाद ऑरेंज करो, उसके बाद सबसे टॉप पे वाइट या येलो कर दो, ठीक है? अलग अलग तरीके की झाड़ी बनती है। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि तुम्हारा ग्रीन कलर पे झाड़ी है, क्या पता वहाँ पर रेड कलर के फूल का बगीचा हो, ठीक है? तो
तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब सेम वही प्रोसेस यूज़ करो आप, इसमें नीचे ब्लैक करा, ऊपर सैप ग्रीन, और फिर उसके टॉप पे येलो कलर से बिल्कुल बड़े ब्रश से पैचेस डाल दिए मैंने। ठीक है, तुम पतला ब्रश भी यूज़ कर सकते थे, मैंने जल्दी करने के लिए ऊपर मोटे ब्रश से ही कर दिया। ओके, पर तुम्हें जब तुम बड़े ब्रश से करते हो ना, तो ये याद रखना कि पानी कम यूज़ करना है तुम्हें, ये झाड़ियाँ करते वक्त पानी कम यूज़ करना है, और ब्रश को ना थोड़ा सुखा के रखना है उस वक्त, और फिर कलर को थिक लेना है, और उस वक्त पानी यूज़ नहीं करना। देखो मैं पानी यूज़ नहीं करूँगा अभी, देखना सीधा अप्लाई करूँगा, ये देखो पानी यूज़ करा मैंने नहीं ना। अब देखो मैंने मतलब टील ब्लू और ग्रीन को मिक्स करा इसमें, और फिर अब देखो अब कर रहा हूँ मैं सीधा। ओके, तो बहुत ज़्यादा आसान है यार, बहुत ज़्यादा। देखो इसमें तो मैंने बेस पे ही सीधा कर दिया, जैसे बेस था मेरा, बेस पे ही मैंने हल्का हल्का सा ये वाला कलर जो बनाया मैंने वो उससे सीधा बिल्कुल अप्लाई कर दिया, और हल्का सा बेस दिखना चाहिए तुम्हारा, ये याद रखना मैं बार बार ही कह रहा हूँ। ओके, अब देखो अब ये कलर करा, अब ये मैंने वैसे सेकेंड लेयर सेट करा है, उसके बाद थर्ड लेयर करूँगा इस पर। ओके, अब और दो वीडियो डालूँगा बस। ठीक है, बाय।